क्लासेज में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट में इसमें 75 प्रश्न दिया हुआ है, सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिपाहियों का एक समूह को 10, 15, 24 के समूह में गहराई के खोखले वर्ग के रूप में बीच में रिक्त में या एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है कि 10, 15 और 24 को एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, तो वो फ्रैक्शन करके निकालेंगे, 2^3 × 3 × 5 = 120 एलसीएम आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो न्यूनतम संख्या होगा जब हम उससे पूर्ण वर्ग प्राप्त कर लेंगे। तो इसे पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2^3 कितना है, 3 है, उसे 1 और 2 से गुणा करना होगा, सभी को जोड़ा बैठाना है। 3 1 है तो 1 और 3 की जरूरत है यहाँ पर जोड़ा बैठाने के लिए, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 5 से गुणा करेंगे और 120 तो वो पूरा टोटल ये है ही। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करें, पूर्ण वर्ग में जोड़ा जरूर होना चाहिए, जिसे 2 2 यहाँ पर 3 है लेकिन 1 और से गुणा करेंगे, 3 यहाँ पर कितना, 1 है, तो 1 और चाहिए, और 5 यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 और उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये टोटल इतना ही आएगा, 3600 के बराबर। अगला है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर 160% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणामी भिन्न 7/13 है, तो मूल भिन्न क्या है? अगर मान लिया कि मूल भिन्न जो हमारे पास है वो कितना है, वो n है, और कितना इसको कह रहा है कि 200% बढ़ा दिया, यानी 300%, और ये डी जो है क्या है, वो हर है, और उसका कितना, 160%, यानी 260% बढ़ा दिया जाता है, तो हमारा आता है 7/13। बस इसे सोल्व कर देना है, यहाँ से n और d का मान निकल जाएगा कितना, तो 7/13 × 13/15 बराबर हो जाएगा 7/15। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रश्न है कि 3 प्रतिरोधक ए बी एवं सी जिसका प्रतिरोध क्रमशः R3R एवं 6R चित्रानुसार प्रदर्शित है, यदि कुछ विभवांतर नेटवर्क में आरोपित किया जाता है तो प्रतिरोधकता ए बी एवं सी में कुछ ऊष्मीय शक्ति निम्न अनुपात में होगा। अगर विभवांतर इस नेटवर्क में दिया जा रहा है तो यहाँ से आई जाएगा, ए से आई बन जाएगा, ए बी से है Y2 और सी से आई जाएगा। अगर हम में ए से धारा I1 निकालेंगे तो किस कौन सा रूल लगाएंगे, तो करेंट डिवाइडेड रूल लगाएंगे, CDR लगाएंगे। तो करेंट डिवाइडेड रूल बराबर होता है कि जिस रेसिस्टेंस में हमें करेंट निकालना है उसके अपोजिट रेसिस्टेंस को ऊपर लेना है और बटा नीचे दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ देना है R+3R और गुना जितना करेंट पूरा दोनों में जा रहा है उसे लिख देना है। तो ये हमारे पास हो गया 3R/R+3R। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3RI/4R = 3/4I हो जाएगा। इसी तरह B से धारा I2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा R/R+3R × I, यानी जो हमारे पास हो जाएगा वो 1/4I हो जाएगा। अब उसमें शक्ति का अनुपात क्या होगा, अगर उसमें शक्ति A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं तो फार्मूला हो जाएगा I1² R/I2² जो हमारे पास होता है उसमें कितना, 3R/3R जो हो जाएगा, 6R से कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो I² × 6R। ये किरचॉफ्स के नियम के अनुसार है। आइए मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 3/4I² / 1/4I² × 3/6I². जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9I² / 16 / 3I² / 16 / 6I² और इसे आगे और सोल्व करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 9/16 / 3/16 / 6 हो जाएगा, इसे 3:1:32 जब इसे सोल्व किया जाएगा तो आंसर जो हमारे पास होगा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मेढक कड़ूर धान सा टिड्डा। इसका जो हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो होगा धान, उसके बाद होगा टिड्डा, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप, उसके बाद गड़ूर। क्योंकि धान किस पे, धान में टिड्डा लगता है और टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, और सांप को खाता है गड़ूर। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पवित्र
उत्तरा पूरब की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद, पूरब की तरफ जो होता है वो 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है। कितना चलती है? तो वो 700 मीटर चलती है, 500 मीटर चलती है, ये 700 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, बाएं फिर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो शुरुआती बिंदु से जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो डी, 700 मीटर दूरी पे है। कितना पे? 700 मीटर पे। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष में कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। आंसर हो जाएगा निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं, क्योंकि कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते होंगे, कुछ छात्र नहीं भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 3। ये युग्म जो है वो गलत है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 3 गलत है। SDG 3 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है वृत्त x² + y² = बिंदु 0-4 से होकर गुजरता है, a का मान क्या होगा? कह रहा है कि x² + y² = a² जो 0 और 4 से होकर गुजरता है, तो मान ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। मान रख दीजिए 0² + 4² = a² a² बराबर हो जाएगा 4² a = 4। ए का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा D 4। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7562 और 5 वर्ष में 8464.44 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो दर बराबर एक डायरेक्ट फार्मूला है कि A5 - A4 / क्या हो जाएगा? A4 / 100, यानी हो जाएगा 8462 - 7562 / 7562 क्या हो जाएगा? 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 12% आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो बी होगा। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, आंसर हो जाएगा सी, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है तथा यह चुने गए क्षेत्रफल के आकार पर निर्भर करता है। तो अगला प्रश्न है एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से एक महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होता है? तो पूर्ण दोलन में लगा समय जो होता है आवर्तकाल कहलाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं, दोलक का एक फिगर बनाकर देखते हैं, अच्छे से आप समझ में आएगा। ये यहाँ पर इस तरह है। अब जो कह रहा है प्रश्न में कि एक यहाँ आएगा पहुँचेगा, एक यहाँ पर पहुँचता, यहाँ से यहाँ तक जाने में माध्य स्थिति से एक महत्तम स्थिति तक जाने में कितना सेकंड लगता है? 0.4 सेकंड होता है। और पूर्ण दोलन लगेगा तो उसी को आवर्तकाल कहते हैं। एक सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तभी पूर्ण दोलन होगा। तो 0.4 और फिर आने में भी 0.4, फिर इधर जाने में भी 0.4, इधर आने में भी 0.4, तो टोटल कितना लगा? तो 0.4 * 4 से गुना कर देंगे तो 1.6 सेकंड लगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 1.6 सेकंड समय लगा, वही आवर्तकाल हो जाएगा। और अगर आवृत्ति निकालने की कभी अगर बारी आई तो आवृत्ति बराबर होता है 1/T, यानी 1/ आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है। अगला है दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोड़। जोड़ को छोड़कर अन्य सभी संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है कथन एवं धारणाएं का। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी सिगरेट के पैकेटों पर छपी होती है। धारणाएं क्या है? लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं। दूसरा है लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी, धारणाएं एक और दो दोनों निहित है, क्योंकि कथन में कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी सिगरेट के पैकेटों पर छपी होती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेटों पर छपी चेतावनी को लोग पढ़ते भी हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, नागपुर। नागपुर को भारतीय शहरों के 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। 0 माइल एक मील का पत्थर है जिससे देश भर के विभिन्न जो है दूरियां मापी जाती है। 0 माइल स्टोन 1907 में नागपुर में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक स्मारक है। अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है और हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिया हुआ है संख्या, उसका मान ज्ञात करना है।
एक तो यहाँ पर दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है, जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 18 माइनस 2 गुना 8 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2 गुना 3 हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर 12। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा बी। साधारण भिन्न से 0.123 जो रेकरिंग का मान कितना होगा, यहाँ पर मान हो जाएगा 123 डायरेक्ट लिख दीजिए, और जितने पर संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए, आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 41 बटा कितना हो जाएगा 333, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है, पेड़ का प्रतिबिंब खाली स्थान बनेगा। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण किस तरह रहता है, इस तरह उत्तल दर्पण रहेगा, जिसमें क्या होता है, यू जो होता है वो निगेटिव होता है, भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो दर्पण फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u होगा। तो 1/f के जगह पर क्या रखते हैं 2.5, अब माइनस, अब 1/u के जगह पर माइनस में ही रखेंगे क्योंकि इस निगेटिव होता है उत्तल दर्पण के, 1/10 कर देंगे तो होगा 4 + 1/10 बराबर 5/10, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी आएगा वो कितना होगा, 2 मीटर आएगा, वो भी आएगा कब, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसनर प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय उसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को मेसनर प्रभाव कहा जाता है, और जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप के नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसे मेसनर प्रभाव कहते हैं। मेसनर परिघटना की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री वाल्थर मेसनर तथा रॉबर्ट ऑक्सेनफील्ड ने किया था। अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध एक निश्चित तापमान पर शून्य हो जाता है, इससे विद्युत धारा के जाने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा ऊर्जा क्षय जो है वो नग्न हो जाता है। अगला है यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अगर मान लिया कि कंप्यूट है उसे अगर हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो CEMOPTU, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एम तो यहाँ पर है, यहाँ पर सी तो सी, यहाँ पर से 3 अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित होंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, 5 से +5 करेंगे तो 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 होगा। यहाँ पर देखिए कि डबल हो रहा है 6 से 12, 12 6 18 हो जाएगा, +6 यहाँ पर किया गया है, तो क्या आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए 18। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खाली स्थान थे, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा डी वित्त मंत्री। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। टोडरमल ने 1580 में दशाला पद्धति तैयार किया जिसे अकबर ने लागू किया। अकबर द्वारा दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य जो था वो विश्व बंधुत्व था, और अकबरनामा नामक ग्रंथ अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला है यदि 2 tan θ = 3 है तो sec θ + tan θ - 1 sec θ - tan θ + 1 का मान क्या होगा। 2 tan θ = क्या दिया हुआ, tan θ = 3, तो tan θ = दिया होगा 3/2। अब जाइए इसे तोड़ दे, जो लिखा हुआ है sec θ + tan θ - 1 लिख सकते हैं, इसे बंद कर दीजिए, और इसे लिख सकते हैं sec θ - tan θ - 1 लिख सकते हैं, इसे लिख दिए हैं। जब इसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec²θ - tan θ - 1 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसे तोड़िएगा और आगे तो sec²θ - tan²θ + 2 tan θ - 1 हो जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे 1 + 2 tan θ - 1 हो जाएगा, यानी 2 tan θ हो जाएगा, और tan θ = मान क्या है 3/2। हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3, सही आंसर हो जाएगा ए। ये सेक सिर्फ कॉमन ले लिए हैं और उसे बंद कर दिए हैं, यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जो हमारे पास ये प्लस वाला चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो tan θ - 1 tan θ, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ क्या हो जाता है, एक फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, इसी पर ये तोड़े हैं और फिर बाद में मान रख दिए। अगला है संख्या 2, 7, 3, 9, 6, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। इसका जो अंकित मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा,
और स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 3000 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2997। एक किलोग्राम का पिंड 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाए तो 4 किलोग्राम के पिंड की 1 किलोग्राम के पिंड के ऊपर प्रतिक्रिया क्या हो। यहाँ पर दो पिंड दिया हुआ है जो विपरीत दिशा में F1 एवं F2 लगाएगा और दोनों का मान जो होगा वो 10 न्यूटन ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम का पिंड 4 kg के पिंड पर यदि 10 न्यूटन का बल लगाएगा तो 4 kg का पिंड 1 किलोग्राम के ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में 10 न्यूटन का ही बल आरोपित करेगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब, आंसर हो जाएगा ए, धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब कोई चालक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्रदार धाराएं होती है। इस धारा का प्रायोगिक अध्ययन सर्वप्रथम फोको ने किया था, इसलिए इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो बिजली धारा मापी गैल्वेनोमीटर, वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, बैरोमीटर से। नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाएं से आठवां पद क्या होगा, जो कह रहा है कि अंतिम जो है आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद जो क्या होगा, तो जो हमारा पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं सॉल्व करके। इसमें टोटल 20 पद दिए हुए हैं तो 10 जो यहाँ तो एल बी तक आएगा, इसे हमें उलटना है। तो यहाँ पर से इस 10 को अगर उल्टेंगे तो ये इस साइड से आ जाएगा। तो आप अगर प्रश्न में करा कि दाएं से आठवां पद क्या होगा तो आप बाएं से आठवां पद देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी एफ होगा, क्योंकि जब उल्टेगा तो इधर से हम देख लेंगे तो एफ आंसर हमारे पास आ जाएगा। आठवां पद वो है बी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 244 का पहला। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 एक अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC त्रिभुज ADE के समरूप है। यदि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर समरूप त्रिभुज दोनों है तो हमारे पास जो AD के स्क्वायर बटा AB के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल है, ABC का जो क्या हो जाएगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर बटा 5 के स्क्वायर बराबर 18 बटा हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, इसे जब देखें तो 25 × 18 बटा क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा 9, सॉरी कितना हो जाएगा 9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, दी गई तालिका में 2 सत्र परीक्षाओं में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण दिया गया, तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गणित में प्राप्त अधिकतम अंकों और हिंदी में प्राप्त न्यूनतम अंकों का औसत कितना होगा। तो गणित में जो अधिकतम है वो 85 है और हिंदी में जो है न्यूनतम है वो भी 85 है। तो 85 या +85 इन दोनों को औसत निकाल देना तो हो जाएगा 170/2 = 85। सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी यहाँ पर कह रहा है कि CaCl2 प्लस H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के, ये हो जा रहा है क्या तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस 2HCl। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2.1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन मानक दाब एवं ताप पर क्या होगा। यानी हमारे पास जो MgCO3 जो होगा वो MgO प्लस CO2 84 ग्राम जो होगा, MgCO3 कितने 84 ग्राम MgCO3 से प्राप्त हो रहा है कितना CO2, प्राप्त CO2 हो रहा है वो है 22.4 लीटर हो रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ 2.1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना प्राप्त होगा, तो हो जाएगा 22.4/84 × 2.1 ग्राम। आंसर हो जाएगा 0.56 लीटर। गैसीय आयतन के अनुपात के नियम गे-लुसैक ने दिया था, आंसर हो जाएगा 0.56 लीटर बी। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, इस तरह के अक्षर दिया हुआ है बाएं और इधर दाएं।
यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। चलिए अगर प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अगले शब्द में बदलते हैं तो होगा जी एस जेड डी बी यू एच वी ओ ओ पी यू। तो यहाँ पर सिर्फ जो है एक शब्द ऐसा है जिसमें भौवेल नहीं आता है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी जी एस जेड में। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। तो चलिए पहली पैटर्न में हम देखते हैं कि 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर करते हैं और नीचे वाला को जोड़ रहे हैं 22 प्लस 18 यानी 4 प्लस 36 बराबर हो जाएगा ये 40, इधर 40 बराबर 40 हो जाता है। पहला पैटर्न में तो आ गया। दूसरा में देखते हैं 5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 17 प्लस 12 इसे किया है तो 25 प्लस 4 बराबर 17 12 कितना हो जाएगा 29, ये भी 29 बराबर 29 आ जा रहा है। तीसरे पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 65 प्लस 25, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 25 90 और ये 9 इधर चला जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 81। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा अंडर रूट 81 बराबर 9, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। यहाँ पर देखिए बी से ई गया है, प्लस 3 गया है, ई से एच प्लस 3, एच से के प्लस 3 और के से प्लस 3 जो होगा वो एन होगा। बी से ओ गया है प्लस 2, ओ से क्यू प्लस 2, क्यू से एस गया है वो है प्लस 2, तो एस से प्लस 2 कहाँ जाएगा वो होगा यू। उसी तरह ओ से प्लस 2 क्यू गया और क्यू से प्लस 2 एस गया, एस से प्लस 2 यू गया, यू से प्लस 2 क्या होगा डब्लू होगा, तो हमारे पास होगा एन यू डब्लू, एन यू डब्लू आंसर हो जाएगा बी। बाघमारा किट भोजी घट पर नी पिंचर प्लांट नभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। बाघमारा किट भोजी घट पर नी यानी पिंचर प्लांट अभ्यारण्य मेघालय राज्य में स्थित है। बाघमारा अभ्यारण्य मेघालय के गारो हिल्स में स्थित है। मेघालय राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं 4 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है, एक निश्चित दूरी पर तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात क्रमशः 2:5 है। यदि ए और बी को 45 मिनट अधिक समय लगता है तो बी का समय ज्ञात करें। कह रहा है ए और जो है बी है चाल की बात करते हैं तो 2:5 है, तो समय जो लगेगा हमारे पास कितना लगेगा 5:2, इन दोनों के डिफरेंस कितना है प्लस 3, 3 इकाई बराबर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना मिनट का है वो 45 मिनट का है, तो 2 इकाई बराबर हो जाएगा 45/3 गुना 2 बराबर 30 मिनट, तो बी का समय जो लगेगा वो कितना वो है 30 मिनट, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी। 100 छात्रों का औसत भार 34 केजी है, प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 केजी है, अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 केजी है, तो 50वें छात्र का भार कितना होगा, तो 50वें छात्र का भार जो होगा वो हो जाएगा कितना 34 गुना 100 माइनस 34 गुना 49 प्लस 32 गुना 50, अभी से सॉल्व करेंगे 3400 माइनस 1666 प्लस 1600 आंसर होगा 3400 माइनस 3266 बराबर 134 केजी, आंसर जो होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है कि एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक्वा रेजिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक बिलियन है बिल्कुल सही है, एक्वा रेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो जाता है ये भी सही है, एक्वा रेजिया बिलियन बहुत ही ऊर्जायुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है ये भी सही है, इसके पारंपरिक बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है ये गलत है, 3:1 के मिश्रण रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का और यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा डी। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनोबोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी नियॉन। विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइनबोर्ड्स के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, निम्न दाब पर नियॉन गैस में विद्युत उत्सर्जन कराने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है, लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे में भी बहुत कम होता है इसलिए नियॉन लैंपों का प्रयोग हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु संकेत लैंपों में किया जाता है, नियॉन एक नोबेल गैस है जिसकी खोज विलियम रेमजे ने 1895 में किया था। अगला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है, 123 90 68 में अगर हम देखते हैं क्या संबंध, 123 माइनस 68 करते हैं और 90 माइनस 68 करते हैं तो क्या होगा ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 22 हो जाएगा, अगर उसी तरह हम 61
माइनस क्या करते हैं 6 और ये करते हैं 28 माइनस 6 हमारे पास हो जाएगा 55 और 22 हो जाएगा। 55 और 22 और किस में आ सकता है, 143 माइनस, अगर 143 माइनस 88 करेंगे और एक करेंगे 110 माइनस 110 जो है और माइनस 88 तो भी आ जाएगा 55 22। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा डी। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का, सभी तालाब कुंड है, एक ये हमारे पास है वो तालाब है और सभी जो तालाब है वो क्या है, वो कुंड है। ये हमारे पास हो जाएगा कुंड और ये हो जाएगा तालाब। कह रहा है कुछ कुएँ जो है, कुंड या कुएँ जो है वो, कुछ कुएँ जो है वो तालाब है, कुछ कुएँ जो है वो तालाब है, इस तरह का हो जाएगा ये कुआँ। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष में, कुछ तालाब कुएँ नहीं है, बिल्कुल गलत। कुछ कुएँ कुंड है, सही है। सभी कुंड कुएँ हैं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। 8 दोस्त है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके उसके चारों ओर बैठे हैं। पी टी के बगल में नहीं बैठा है जबकि आर क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। इस तरह के एक सर्किल है और कह रहा है कि पी टी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगर हम यहाँ पर पी देते हैं तो टी कहीं पर बैठा होगा, ठीक है, जबकि आर क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर जो है वो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डब्ल्यू टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डब्ल्यू टी के अगर हम यहाँ पर देते हैं, डब्ल्यू टी के बैठे हुए हैं कहाँ, बाएं के दूसरे स्थान पर, जो आर के दाएं ओर बैठा हुआ है, आर के दाएं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यू टी तथा क्यू के बगल में नहीं बैठा हुआ है। यू जो है वो टी और क्यू के बगल में नहीं बैठा है बल्कि वह भी के बिल्कुल बाएं ओर बैठा हुआ है। भी के बिल्कुल बाएं ओर बैठा हुआ है, क्यू के बिल्कुल दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो बचा हुआ यहाँ पर एस बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं और ये तो डब्ल्यू है, तो क्यू के बिल्कुल दाएं ओर कौन बैठा है, आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी, पी बैठा हुआ है। घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता बनी है, सही आंसर हो जाएगा सी, दिव्य कीर्ति सिंह। कौन बनी है, दिव्य कीर्ति सिंह। घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान राज्य से है। बस 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और बग्गी 40,000 रुपये में खरीदी है। घोड़े को उसने 10% लाभ पर और बग्गी को 5% हानि पर बेच दिया है। उसने पूरे सौदे पर 1% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर मान लिया कि घोड़ा है और एक तरफ क्या है बग्गी है, इसको 5% हानि पर बेचा है, उसे 10% लाभ पर बेचा है और इन दोनों के बिक्री में इसको प्लस 1% का जो है वो लाभ हुआ है, ये हो जाएगा 6% और ये हो गया 9%। ये 2 और 3 इन दोनों के बीच जो है प्लस जोड़ेंगे तो 5 यूनिट होएगा। अब 5 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, 40,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40,000 / 5 बराबर 8,000। तो 2 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,000, क्योंकि 2 यूनिट कितना, 16,000। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा बी, घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 16,000 रुपया। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, ये बताना है। इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कि 30 × 50 / 50 − 30 सोल्व कीजिएगा, 75 घंटा डायरेक्ट बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। या फिर 30 और 50 का एलसीएम लीजिएगा, 150 आ जाएगा। एक का कार्य क्षमता 5 होगा, एक का कार्य क्षमता 3 होगा और एक 5 और 3 जो है वो दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा और 150 में 2 से भागा देंगे तो भी 75 आ जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता 2 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के तत्व एस ब्लॉक के तत्व है जिसकी संयोजकता क्रमशः 1 एवं 2 होता है। और सेकेंड ए के तत्व जो है वो कौन कौन है, तो वो है बी है, एम जी है और सी है, जिसकी संयोजकता 2 होती है। एन प्लस आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एम जी 2+ का। एन ए प्लस के इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 − 1 = 10 हो गया और एम जी 2+ का भी कितना हो जाएगा, 12 − 2, तो ये भी 10 हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला है नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त व्यापारियों को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज मकान मालिकों को
आयत आयकरदाताओं को तारीख में दी गई संख्या उस श्रेणी को विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है कि कितने व्यापारी करदाता तो है लेकिन मकान मालिक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वो होगा 22। कौन सा होगा, ये एरिया होगा, तो 22 आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, एक दिया हुआ ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो एक दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी पे संबंध बताना है आर का एस से क्या संबंध है। तो कह रहा है कि भी जो है वो बहन है किसका, एस का, और एस माँ है किसका, वो है क्यू का, और क्यू भाई है किसका, पी का, और पी पिता है इसका टी का, और टी फिर से बहन है किसका, आर का, और आर माँ जो है वो किसके है, तो वो है यू का। संबंध यहाँ पूछ रहा है किसके किसे, एस और आर का, यहाँ होगा या पौत्री होगा या फिर नातिन होगा, क्या होगा, नातिन होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को इस तरह के रूप में किया गया है, नेकेड को इस तरह के कूटबद्ध किया गया, तो उसी कूट भाषा में इंटीमेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो सभी अक्षरों का एक निश्चित संख्या का कोड दिया गया है, इन दोनों को देखते हुए अगर आप इसे करते हैं तो इसका आ जाएगा कितना, तो यह हो जाएगा 7857942 आंसर हो जाएगा, वो है बी। अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया, आंसर है ऑप्शन ए धोर्डो गांव गुजरात। धोर्डो गांव गुजरात को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा 2023 समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के माना गांव को इस ओर से भारत का अंतिम गांव माना गया है, जिसे पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, √10 प्लस √25 √108 प्लस √154 प्लस √225 का धनात्मक मान क्या होगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस √ जो हमारे आएगा वो कितना, 25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस 15 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में है। जब इसे फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 13, क्योंकि 154 प्लस 15 को 169 हो जाएगा, तो उसे अंडर रूट में करेंगे तो 13 आएगा। फिर जब इसे सोल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 121 जो कि 11 का बराबर होगा, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस 11 हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 36 है तो 6 हो जाएगा, 10 से 16 अंडर रूट 16 बराबर 4 आंसर हो जाएगा ए। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले क्या करना है कि शंकु को ड्रा करना है, और एक शंकु है ये देख लीजिए यहाँ पर, यह शंकु है और इसके बीच के भाग को काटा गया जिसकी की ऊंचाई दोनों बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ की हाइट जो हम 2h मानते हैं या कैपिटल H मानते हैं, यहाँ से छोटा h हाफ हो जाएगा और ये स्मॉल r है और ये कितना है, कैपिटल R है। तो कह रहा है कि दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी h बराबर r बराबर छोटा l बटा l बराबर हाफ हो जाएगा। तो अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो 1:2 जो हो जाएगा 2 के q-1 बराबर 1:7 होगा, क्या हो जाएगा, 1:7 होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। जनन नियंत्रण गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन महिला सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बड़े बसीय ग्लोब्यूलस को छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। भोजन के पाचन में पित्त लवण का प्रभाव यह है कि ये बड़े जो बसीय ग्लोब्यूलस है उसे छोटे ग्लोब्यूलस में तोड़ देता है। यकृत पेट के दाएं ओर स्थित पाचन तंत्र का एक लगभग त्रिकोणीय लाल भूरा सहायक अंग है। यदि दर्पण का चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए, अगर ये दर्पण है तो सही क्या होगा, आइए इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, जब इसे लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटी लिखाएगा, उसके बाद कैप्सूल लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा कैप्टन लिखाएगा, उसके बाद कैप्शन लिखाएगा, उसके बाद कैटेगरी लिखाएगा, क्या लिखा है,
कैटेगरी लिखाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हाल ही में उद्घाटित भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किन दो स्थानों के बीच स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबरी और चिरले। सेबरी समुद्री पुल सेबरी और चिरले दो स्थानों के बीच स्थित है। भारत में समुद्र पर बने अब तक के सबसे लंबे सेतु महाराष्ट्र राज्य में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और कितने किलोमीटर लंबा है, 21.8 किलोमीटर, जो अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हमारे पास आ जाएगा एन बराबर 49x प्लस 9। अगर फिर 7 करते हैं, इसे अलग करते हैं, तोड़ते हैं, 7x प्लस 1 प्लस 2 इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा वो शेषफल कौन सा बचा, तो ये 2 हो जाएगा। इसी को सिर्फ हम तोड़ के लिखे हैं और 7 को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, तो अभी जो शेषफल बचेगा 7 से डिवाइड करने पर वो कितना बचेगा, वो होगा 2। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शैवाल के कारण। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे शैवाल के कारण बनते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित संवहन ऊतक रहित भ्रूण रहित आत्मपोषी सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ द्वारा, यानी पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा। फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजिस्ट द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। अगर रुधिर रोग विशेषज्ञ है तो हीमेटोलॉजिस्ट है, निशेचना विशेषज्ञ है तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, त्वचा रोग विशेषज्ञ है तो डर्मेटोलॉजिस्ट है। निम्नलिखित में कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा डी, अतालता यानी एरिदिया। अतालता या एरिदिया रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है। हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है, यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार, 1 मिनट में 72 बार, और भ्रूण अवस्था में जो होता है वो 1 मिनट में जो है वो कितनी बार, 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। समान मनुष्य का रक्त दाब कितना होना चाहिए, 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। 120 सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। अगला है, यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार है तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन था। 19 जुलाई 2000 को जो है वो क्या था, बुधवार था। तो 19 जुलाई 2012 तक विषम दिनों की संख्या अगर हम करते हैं, क्या होगा, 1 + 1 + 1 और प्लस ये 2 होगा जो कि लीप वर्ष वाला होगा, फिर 1 + 1 + 1 + 2 फिर से लीप वर्ष, फिर 1 + 1 + 1 + 2 ये लीप वर्ष, भागा 7 कर देंगे तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 15 भागा 7 बराबर 1 विषम दिन आएगा, 1 हमारा जो है वो जुड़ जाएगा, यानी बुधवार प्लस 1 दिन जो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा गुरुवार। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा कौन सा, सॉरी बुधवार प्लस 1 दिन जो जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो ये देख। अगला प्रश्न है कि यदि 19 जुलाई 2000 को बुधवार था तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो 19 जुलाई 2000 से निकालना है क्या हो तक, 19 जुलाई 2012 तक। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच, तो 15 विषम दिनों क्या होगा, क्योंकि लीप ईयर जो होता है इसमें 3 आएगा लीप ईयर, तो वो दो दो दिन विषम दिन हो जाएगा। अब एक साल का विषम दिन 1 दिन होता है, तो 15 भागा 7 करेंगे तो कितना हो गया, 1 विषम दिन हो गया, कितना हो गया, 1 विषम दिन हो गया। तो 19 जुलाई 2012 को जो है वो हो जाएगा बुधवार, बुधवार प्लस 1 दिन यानी गुरुवार, क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर जो पूछ रहा है यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या है, वो है 15 जून 2012 के बारे में पूछ रहा है। तो 15 जो हमारे पास आ जाएगा, 15 जून 2012 से 19 जुलाई 2012 के मध्य कुल कितने दिन है, तो इन दोनों के मध्य जो आएगा वो 34 दिन टोटल आ रहा है, और 34 विषम दिन आ रहा है तो 7 से भागा देंगे तो 6 विषम दिन बचेगा, कितना दिन, 6 विषम दिन बचेगा। तो 15 जून 2012 का दिन जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार माइनस 6 दिन तो हो जाएगा शुक्रवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर कैलेंडर का प्रश्न देखना चाहते हैं अच्छे से और इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे काफ़ी अच्छा वीडियो लोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सनबिक मैथ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति में वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में शुगर को इस तरह के रूप में और व्हीट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो आइए उसी जो भी लिखा हुआ है, यहाँ स्वर अक्षरों में 3 तथा व्यंजन अक्षरों में 2 जोड़कर कूट किया गया है, जैसे एस जो है
वो क्या है, व्यंजन है, तो इसमें दो जोड़ा गया है, एस प्लस दो करके यू लिखा गया है, और यू जो है वो स्वर है, उसमें तीन जोड़ के एक्स किया गया, इस तरह के कोड किया गया है। तो ग्रैन को देखेंगे तो जी व्यंजन है, इसमें प्लस दो करेंगे तो आई होगा, आर भी है व्यंजन तो आर प्लस दो करेंगे तो टी होगा, एस स्वर है प्लस तीन करेंगे तो डी होगा, आई क्या है वो भी स्वर है तो तीन करेंगे तो एल होगा, एन को प्लस दो करेंगे तो पी होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, सही आंसर हो जाएगा सी, सेंथिल पांडियन सी को। सेंथिल पांडियन सी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। WTO के वर्तमान महानिदेशक नगोजी अकुंजा इवेला है। तीन संख्याओं का योग 253 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या का एक तिहाई है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या क्या है, 6x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 6x/2 = 3x, तीसरी संख्या हो जाएगा 6x/3 = 2x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 6x+3x+2x = 253, 11x = 253, x = हो जाएगा 23। दूसरी संख्या हमारे पास कितना निकल के आया था, तो 3x/3×23 हो जाएगा 69। आंसर सही हो जाएगा सी, ब्रेड बनाने में खाली स्थान उपयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसिस रेबिसिस। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस रेबिसिस उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम कोमम बर्टी एवं पेनिसिलियम रॉक 40 कवक का उपयोग पनीर बनाने में काम आता है। ईस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है और ईस्ट द्वारा शर्करा के बिलियन का किण्वीकरण किया जाता है जिसे एथिल एल्कोहल बनता है। अगला है रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। ओ किसी को नहीं दे सकता, ये गलत है, ओ सभी को दे सकता है। ए है ए और बी से, ए बी से प्राप्त करेगा, बी बी और ए बी से प्राप्त करेगा, और ए बी है जो सभी से प्राप्त करेगा और वो है सभी को देगा। नेक्स्ट है शब्द ब्योडाउ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिनाऊ 2019 एस वैश्विक स्थिति प्रणाली से। शब्द जो है ब्योडाउ निम्नलिखित में से चिनाऊ 2019 एस वैश्विक स्थिति प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से संबंधित है। वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली अमेरिका में GPS, रूस से ग्लोनस, यूरोपीय संघ से गैलीलियो और चीन में विदाऊ जो है वो है, और भारत में GPS का नाम जो है वो क्या है, वो है नाभिक है। अगला है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें, आइए किस तरह है, 1 स्क्वायर करके 1 लिखा गया है लेकिन 5 2 स्क्वायर + 1 = 5 लिखा गया है, 9 जो है 3 डायरेक्ट स्क्वायर करके 9 लिखा गया है, 17 जो है 4 स्क्वायर + 1 किया गया है 17, और 25 5 स्क्वायर के, यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर के अगला बार में 2 स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है, फिर 3 स्क्वायर किया गया, 4 स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है, 5 स्क्वायर जो अगला होगा वो 6 स्क्वायर + जो होगा 1 होगा, फिर 7 स्क्वायर सिंपल होगा, फिर 8 स्क्वायर + 1 होगा, इसी तरह 9 स्क्वायर सिंपल होगा, फिर 10 स्क्वायर + 1 होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 101। यदि प्लस का अर्थ जोड़ है, भागा का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजित है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या हो, यह दिया हुआ समीकरण है, जब इसे चेंज करेंगे समीकरण को चिन्ह बदलेंगे तो प्रश्न से, तो यह 75 / 5 × 4 + 7 − 2 = वाट, इसे सोल्व करना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए 65। बांग्लादेश और खालिस्तान देश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिका अभियान में शामिल हुए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी मॉरिशस। मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ था। यह था ALP टेक्नीशियन 2024 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।